आपके फोन में कई तरह की एप्स होती हैं। UPI पेमेंट के लिए अलग ऐप, बीमा करवाना हो तो अलग ऐप, और लोन लेना हो तो एक अलग ऐप। और लोन भी लेना है तो ये खतरा है कि ये फर्जी ऐप तो नहीं है, कहीं इसका चाइनीज कनेक्शन तो नहीं है। तो लीजिए, भारत के दिग्गज कारोबारी समूह रिलायंस ने आपकी सभी मुश्किलों को आसान बना दिया है। मुकेश अंबानी की कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने फाइनेंशियल मार्केट में अपनी हिस्सेदारी को और मजबूत करने के लिए एक नया ऐप लॉन्च किया है। यह है जियो फाइनेंस ऐप। ये ग्राहकों को पहले से बेटर सुविधा देने के लिए लॉन्च किया गया है। इस ऐप से UPI पेमेंट, मोबाइल रिचार्ज, क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट आप कर सकते हैं, साथ ही जरूरत पड़ने पर म्यूचुअल फंड पर लोन भी आप ले सकते हैं। जियो फाइनेंस ऐप का सीधा मुकाबला गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से लेकर दूसरी फाइनेंस ऐप से होगा। हालांकि आप में से कुछ यूजर्स होंगे जो ये कहेंगे कि जियो फाइनेंस का ऐप तो वो 2-3 महीनों से यूज कर रहे हैं, तो इसमें नया क्या है। लेकिन आपको बता दें कि 30 मई 2024 को जियो फाइनेंस ऐप का बीटा संस्करण लॉन्च किया गया, जिसके बाद करीब 60 लाख लोगों ने जियो फाइनेंस ऐप को डाउनलोड किया था। इस ऐप को चुनिंदा यूजर्स के लिए जारी किया गया था। बीटा ऐप के यूजर्स से सुझाव मांगे गए थे। अब यूजर्स से मिले फीडबैक के बाद रिलायंस की फाइनेंशियल सर्विस ने नया जियो फाइनेंस ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर, एप्पल ऐप स्टोर और माय जियो पर यूजर्स के लिए अवेलेबल होगा। नई ऐप में ग्राहकों के रिस्पांस के आधार पर बीटा लॉन्च के बाद से कई फाइनेंशियल प्रोडक्ट और फैसिलिटीज जोड़ी गई हैं, जिसमें म्यूचुअल फंड पर लोन, होम लोन, बैलेंस ट्रांसफर और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी शामिल है। आइए जानते हैं कि ऐप पर क्या क्या अवेलेबल है। तो कंपनी द्वारा जारी की गई जानकारी के अनुसार ऐप पर लोन प्रतिस्पर्धा शर्तों पर उपलब्ध होंगे और ग्राहकों के लिए पर्याप्त बचत प्रदान करेंगे। रिलायंस जियो की वेबसाइट के अनुसार इस ऐप में जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड को इंटीग्रेट किया गया है। यहाँ वीडियो KYC की मदद से 5 मिनट में ग्राहक डिजिटल बचत खाता खोल सकते हैं। यहाँ बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के साथ फिजिकल डेबिट कार्ड भी मिलता है। अभी तक 15 लाख से ज्यादा ग्राहक जियो पेमेंट बैंक में खाता खुलवा चुके हैं। यहाँ उन्हें नियमित पेमेंट की सुविधा मिल रही है। इसके अलावा ग्राहकों के लिए UPI पेमेंट, मोबाइल रिचार्ज और क्रेडिट कार्ड बिलों का भुगतान करने की फैसिलिटी भी इस ऐप पर मिलती है। जियो फाइनेंस ऐप ग्राहकों को विभिन्न बैंक खातों में अपनी होल्डिंग्स और साथ ही उनके म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को देखने की सुविधा भी देती है। इसके अलावा जियो फाइनेंस ऐप डिजिटल रूप से लाइफ, हेल्थ, टू व्हीलर और मोटर बीमा की सुविधा आपको देती है। ये ग्राहकों को 24 इंश्योरेंस स्कीम की पेशकश करती है। बता दें कि जियो अब म्यूचुअल फंड के बाजार में उतरने जा रहा है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैक रॉक के ज्वाइंट वेंचर को भारत में म्यूचुअल फंड सेक्टर में एंट्री के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि जियो जल्द ही म्यूचुअल फंड की पेशकश कर सकता है। जियो के इस ऐप पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके साथ ही इस तरह की और खबरों से अपडेट रहने के लिए मनी9 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।